क्या हो रहा है यहाँ? पीछे हटो, ज्यादा होशियारी मत करो, उधर आतंकवादी है और वहाँ बंधक फंसे हुए हैं। आप जाओ बेटी, मैं जानता हूँ इसी हालत में मुझे क्या करना है। बंधकों को बचाओ। हरामखोर कहीं का, मुझे यहाँ किसी रैम्बो फैम्बो की जरूरत नहीं, मेरा रिकॉर्ड खराब करके रहेगा। मतलब ये कि तुम मेरी पसंद से खुश हो, पर तुम्हारे साथ एक पूरा हफ्ता चाहो तो बढ़ा सकती हो। मजाक मत करो। देखो सिंथिया, वो तुम्हारे लिए खड़ा है। ओ, मैं हूँ सिंथिया ली। वेलकम, मुझे यहाँ आपको लेने के लिए भेजा है। किसने भेजा? बेन। ओ, क्या बात है, शुक्रिया। तुम्हारा भाई तो यहाँ का बहुत बड़ा आदमी लगता है। हाँ, तो फिर चले क्या? हाँ जी। तुम्हारा भाई बहुत अमीर है। हाँ, लगता तो है। मिस्टर हैंग आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो अंदर चलो। हाँ। इस तरफ से आइए। हाँ। जितना हम कमाते हैं उससे तो हम इतना बड़ा घर कभी नहीं खरीद सकते। अगर हम गलत काम करें तो कमा सकते हैं। भूल जाओ, कभी नहीं। सिंथिया, बहुत दिनों बाद मिली, कैसी हो? अच्छी हूँ, ये है एना और ये बेन हंग। हेलो, कैसे हो? Hey, मैं जरा प्रैक्टिस कर रहा था, क्या तुम लोग भी करना चाहोगे? ठीक है। क्या बात है, चलो बहना को देखते हैं। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तुम कहा करते थे कि तुम्हें अमीर बनना है? लगता है तुम्हारा सपना पूरा हो गया। ये सब आसान नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये बात तो सच है कि मेरी मेहनत रंग लाई और थोड़ा नसीब भी साथ देता है। क्या बात है, बढ़िया। अच्छा सुनो, तुम और है ना यहाँ मेरे मेहमान बनकर रहो, हैं? ओह ग्रेट।
अच्छा रहेगा, हाँ बढ़िया रहेगा। चलो अंदर चलें। चलो, बहुत मजा आएगा। बॉस, जरा बात करनी थी आपसे। ऑफिस में आना। मिस्टर टी, क्या तुमने माल पहुंचा दिया? अभी नहीं सर। वो क्यों? इसका मतलब मैं क्या समझूं? बताओ अभी क्या हुआ? क्या तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा था? सर मैं वही कर रहा था, पर एडी वहां आ पहुंचा। वो पुलिस वाला? मैं तुम्हें क्यों पार रहा हूं? एक छोटा सा काम था और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। अब ठीक से सुनो, तुम्हारे पास 2 दिन है एडी को खत्म करने के लिए। इस बार उसने एक टक हथियार बर्बाद किए। ये आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए, और अगर वो बच गया तो तुम नहीं बच पाओगे, समझे तुम? यस सर। क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर एडी के नाम पार्सल है, यहाँ साइन कीजिए। मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। पता तो यही है, आप साइन करेंगे प्लीज। क्या तुम कुछ और दिन नहीं रुक सकती? नहीं, हमें जाना तो पड़ेगा ही। शुक्रिया, लेकिन हमें और जगह भी देखनी है। हाँ ठीक है ठीक है, कल मुझे फोन करना, डिनर साथ करेंगे। ये है लीजा। हुँ? और ये है सिंथिया, मेरी बहन। हाय। उसकी दोस्त है ना। हाय हाय हाय। आप निशाना लगाना चाहोगी? नहीं अभी नहीं, फिर कभी। एंजेला, कहाँ जा रही हो? वो तुम्हारी माँ का खूनी है, खूनी है वो। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में छुट्टियां मना रही हूँ। हाँ, मैं भी। अब जाके कहीं हमें आराम और सुकून मिला है। शायद अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कमिश्नर इस जगह के बारे में जानते हैं। हाँ? क्या कहा तुमने? हाँ, यकीन नहीं होता। हाय एडी, सॉरी देर हो गई। नाराज मत होना, मेरे बगैर अकेला लग रहा था ना। मजाक बंद करो, अगली बार तुम 1 घंटा इंतजार करके देखना। चलो काम की बात करें। क्या कोई नई खबर है मेरे लिए? बेन हुंग कोई नया दाव सोच रहा है, तुम्हें पता है उसके बारे में? मुझे इतना पता चला है कि वो बहुत से हथियार खरीद रहा है। कोशिश करो थोड़ी और जानकारी निकालो। वो चालाक है, किसी पर भी यकीन नहीं करता, यहां तक कि अपनी बहन पर भी। उसके नजदीक पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर से कोशिश करो बिल।
हमें उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हांगकांग से कुछ सौदा कराए हैं, शायद उनसे कोई सुराग मिल जाए। ये हुई ना बात, लेकिन अगर बकरा पड़ा ना हो तो बेन हुंग खुद सौदा नहीं करेगा। ये देखो तो क्या कर रहे हो, ये तो हद हो गई। तकलीफ है तो कहीं और चली जाओ। हम तो भाई भाई। सुनो लेडीज, मैं और मेरी दोस्त हमेशा यहाँ खेलने आते हैं। हाँ। ये हमारा बीच है, अब चलो बॉल हमें दे दो। सुना, इन्हें बॉल चाहिए, क्या कहती हो? जरूर, इनसे कहो यहाँ कर ले जाएं। चलो दे भी अरे वाकई अच्छी कोशिश थी, क्यों? आओ बॉल ले जाओ। चलो उठो, एक लड़की से आ रहे हो। वाह क्या बात है। देखो अब तुम्हारी बॉल मेरे पास है। हाँ, शायद इन्हें बॉल नहीं चाहिए। चलो ठीक है। क्या तुम हाल ही में एंजेला से मिले हो? क्या तुम्हारी सास अभी भी तुमसे नाराज है? वो तो बस वैसी ही है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने कल ही देखा उसे, उसने मुझे एंजेला से मिलने नहीं दिया। वो अब भी सोचती है कि मैंने मारा उसकी बेटी को। मैंने तो एंजेला को एक अरसे से नहीं देखा, वो समझदार है और उसे सब पता है। वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो एडी। मेरे बॉस का मैसेज है, मैं चलता हूं। कुछ पता चले तो फौरन फोन करना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूं, ख्याल रखना। चलो अब उठो भी। जरा सुनिए, यहां पर जो लोग लड़ रहे थे वो कहां गए? वो चले गए। पता है टोनी तुम पे मरता है, सच कह रही हूँ। बेकार की बातें मत करो एना, ये प्यार व्यार की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं 6 साल की थी मेरा बाप मुझे और मेरी माँ को छोड़ के चला गया। टोनी का भारी शरीर मुझे हमेशा अपने बाप की याद दिलाता रहता है। पर तुम्हें कभी दिल में कुछ कुछ नहीं हुआ? अब तो तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना ही होगा, उम्र जो ढल रही है। फिर से बक बक शुरू, कल के प्रोग्राम के बारे में बात करें? क्यों ना उड़ान भरी जाए। लेकिन माइक्रोलाइट्स नहीं, ओके? मुझे अच्छे नहीं लगते, गिरने का डर रहता है। ए, आजकल तो तुम किसी भी चीज से डर जाती हो। हाँ वैसा कुछ नहीं, पर माइक्रोलाइट से खतरा रहता है। पर एना, चोट लगने का ज्यादा खतरा तो लड़ाई में होता है, दोनों में फर्क है। अरे जरा देखो तो कौन है। नहीं। क्यों नहीं? मेरे पाँव अकड़ गए हैं। ठीक है मैं देखती हूँ, बोलिए। फैक्स है हांगकांग से। शुक्रिया। किसने भेजा है? खुद ही देख लो। पर हम तो यहाँ छुट्टियां मना रहे हैं ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो अब क्या?
सब तुम्हारी गलती है। उन्हें बताने की क्या पड़ी थी? मेरी गलती? अच्छा, तुम देखो ना। हेलो। हेलो सिंथिया। यस चीफ। क्या तुम्हें मेरा फैक्स मिल गया? हाँ मिल गया। अब सुनो, एक जरूरी काम। क्या हुआ सर? मैं चाहता हूँ एना और तुम चैन ब्रदर्स के केस की तहकीकात। पर हम तो वो कल वहाँ आ रहे हैं एक ग्रुप के साथ, उन पर कड़ी नजर रखना, आंखों से ओझल मत होने देना। पर चीफ हम तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी छुट्टियाँ अभी से खत्म होती हैं। अब तुम और एना काम पर लग जाओ, समझ गई? यस सर। उन्होंने फोन रख दिया। अब वो चैन ब्रदर्स आ रहे हैं मनीला घूमने। चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। इस तरफ। मैं लाता हूं। हाँ प्लीज। ये सबसे नए मॉडल है, बहुत बढ़िया है। फुल्ली ऑटो, सेमी ऑटो, देखो तो। अच्छी है। पर गोलियां? वो तो बस एहतियात के लिए है। तुम्हें गोलियां अभी नहीं मिलेगी। क्या बात है, तो ऐसा टेस्ट कैसे करें? कल देखो इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें एक महफूज जगह ले जाएंगे। इन्हें तो मैं पुलिस वाला हूँ। वो तो हम भी हैं। हाँ सही है। बकवास बंद करो, मैं नहीं मानता, चलो मेरे साथ। ये लड़कियाँ पुलिस वाली है। लगाओ उसे, हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी लगाओ उसे। ठीक है। और खुद भी पहनो। चल। अब यकीन कर भी लो, हम हांगकांग के इंटरपोल से हैं। ये सब तुम मेरे बॉस से कहना। अपने आप को समझता क्या है सरफिरा? तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? ये हम दोनों को बेवकूफ समझ रहा है और बाद में इसे पछताना पड़ेगा। जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। क्या कर लोगे तुम हमारा? क्या
करेगा, बस डराएगा ना। तूने भी ये औरत क्यों बनाई आफत की पुड़िया। इसका एक स्क्रू ढीला हो गया है। वैसे तो बुरा भी नहीं है। ओ, कैसी हो लड़कियों? हाय। आखिर मदद आ ही गई। माफ कीजिएगा आप। मैं हूँ मेजर श्योर। हाय मेजर, मैं हूँ सिंथिया ली। हम इंटरपोल से हैं हांगकांग के। हम यहाँ एक तहकीकात करने के लिए आए हैं सर। क्या इसका कोई हथियारों से सरोकार है? मुझे तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। तुम दोनों पिछले शुक्रवार को यहाँ आई हो ना? तो अब आप हमें पहचान गए। क्या अब हम जा सकते हैं सर? तुम्हारा चीफ मिस्टर रिचर्ड ली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, समझी? उसने कहा है कि इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूं। उसने मुझे पूरी फाइल फैक्स कर दी है। एडी, इनकी हथकड़ियां खोल दो। क्या आपको यकीन है सर? एडी, जल्दी करो। जल्दी करो। हाँ, मैंने कहा था तुमने गलत लोगों को पकड़ा है। तुम किस तरह के पुलिस वाले हो? हे, ये हांगकांग नहीं है। तुम दोनों जरा संभल कर रहना और मुझसे कभी मत उलझना, समझे? क्या तुमने सुना इसने हमें क्या कहा? अरे जाने भी दो, दिल जला है बेचारा। ठीक है, ये एडी तुम्हारी मदद करेगा। ये मनीला है, तुम्हें यहाँ का लोकल आदमी चाहिए। ठीक रहेगा एडी? अब पर सर, पर क्या? जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। कोई और नहीं मिल सकता? ये बेस्ट है। अब चलो भी, चलो। तो माल अगली बार कब आएगा? अगले हफ्ते आएगा सर। वो दोनों चैन ब्रदर्स से धंधा कैसा चल रहा है? बिल उनकी देखरेख कर रहा है सर। आज वो उन्हें कुछ सैंपल्स दिखाएगा। वो अब किसी भी वक्त यहां पहुंचता ही होगा सर। हाँ, तुम आज जरा तुमने ऐश करवाना। ओके, ठीक है। हाँ तो ये कैसा है? खुद ही देख लो। अच्छा है। हाँ, और तुम जल्दी काम करो, हमें सामान आज ही भेजना होगा। हाँ बॉस। तो क्या हुआ वहां? क्या वो खरीदेंगे? हमारे साथ एक हादसा हुआ। क्या हुआ बताओगे भी? तुम्हारी बहन। उसका क्या? वो पुलिस वाली है और उसने मार दिया चंद ब्रदर्स को। क्या? वो और उसके दोस्त दोनों ने। वो इंटरपोल से है और उनके साथ था एडी। वो तीनों पुलिस स्टेशन साथ चले गए। अच्छा, मेरी चचेरी बहन। वाह। बेन ने कहा है तुम दोनों को यहाँ मनीला में अकेले नहीं रहना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा होगा अगर तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ। ये जगह तो महफूज है और वैसे भी अब हमें मनीला अच्छा लगने लगा है। माफ करना, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं। ओके, ख्याल रखना अपना। वो ये सोचती है कि वो हमें डरा देगी, पर हम कहाँ जाने वाले हैं? Thank you.
शुक्रिया। अच्छा देखो, तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर? फिर तुम्हें कहीं और जाना होगा। क्या कहती हो तुम? तुम्हारा घर छोड़कर कहीं भी। ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यहीं रहोगी। वाह, कितनी प्यारी जगह है ना? तो कैसा लगा? फैंटास्टिक। किसी वैसे बढ़िया मलकियत लगती है। इसका मालिक कौन है? मेरे दोस्त का है, वो एक आर्किटेक्ट है। वो बाहर गया हुआ है। बहुत अच्छी जगह है। ये जगह अच्छी लगी, हम मुझे भी पसंद है। चलो ऊपर जाना। हाँ, चलो। हे, खाना तैयार है। टेस्ट करिए देखो। बहुत अच्छा है। चलो जल्दी शुरू करो। अच्छा है। हमने ये खाना खास तुम्हारे लिए बनाया है। ये घर दिलवा के तुमने जो एहसान किया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ। नहीं, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर हम दोनों फिर से खाना बनाएंगे। ठीक है, चलो खाते हैं। मेरी बीवी वो अच्छा खाना बनाती थी। ओह, तो तुम शादीशुदा हो? पता नहीं कैसी रहती होगी वो तुम्हारे साथ। मेरी बीवी मर चुकी है। क्या? हाँ? उसकी मौत कैसे हुई? मर्डर। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो ना, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। तुम भी खाओ। चलो जल्दी करो, आओ। चलो बस भी करो। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझसे डर गई? नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूं? अच्छा, तो अब 10 मिनट? क्यों नहीं। ए, देखो तो किसका फोन है। ओ नहीं, अंडे अंडे जल गए होंगे। ओ, भागना पड़ेगा। हेलो सिंथिया। हाँ चीफ। हेनरी अभी अभी मनीला पहुंचा है। क्या? तुम जरा चुप रहो। क्या कहा तुमने? क्या हो रहा है वहाँ? मैंने कहा चुप रहो। मुझे खबर देती रहना। हाँ चीफ। क्या? मुझे पल पल की खबर चाहिए, समझी? ओके चीफ। कौन था, कौन था सिंथिया फोन पर? और कौन होगा, ये अंडे वंडे भूल जाओ। वो जमीन का टुकड़ा दिख रहा है, वो अगर इससे मिलाया जाए तो एक आलीशान गोल्फ कोर्स बन सकता है और वहां होगा क्लब हाउस। बॉस से कहो हेनरी वॉन्ग पहुंच चुका है। केबल कार्स होंगी मेंबर्स के लिए। हेनरी वॉन्ग आए सर। तो कैसे हो दोस्त, तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? यह है मेरा नया प्रोजेक्ट, एक गोल्फ रिसोर्ट। क्या ख्याल है? आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मैं यहाँ पर एक आलीशान गोल्फ कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर एक क्लब होगा, एक रिसोर्ट, और लोग यहाँ आएंगे केबल कार से। यहाँ एक हथियारों का गोदाम भी होगा, किसी को जरा सा शक भी नहीं होगा। हथियारों से जमीन तक, अच्छी उड़ान है। वैसे मुझे अपने पैसे ठिकाने लगाने का जरिया चाहिए था, वरना सरकार उन पैसों को मुझसे छीन लेती। अब इस रिसोर्ट की वजह से मेरा सारा पैसा कानूनी हो जाएगा। चाहो तो तुम पार्टनर बन सकते हो। देखो मेरे पास अभी $50 मिलियन के ऑर्डर है। इतने सारे हथियार, क्या जंग शुरू कर रहे हो? मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। अरे चिंता मत करो, ये मिडिल ईस्ट के लिए है। उन लोगों को एक सरकार शुरू करनी है और मैंने उन्हें हथियार पहुंचाने का जिम्मा लिया है। पैसा तुम्हारा, हथियार मेरे। बहुत अच्छे, क्या मैं तुम्हारा माल देख सकता हूँ? आखिर जल्दी क्या है, मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। ओके। ऐसी जगह तुमने कभी देखी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। क्या खबर है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार तस्कर हेनरी वॉन्ग मनीला आ गया है। ली कभी उसका पार्टनर था। मुझे यकीन है उसका आना यहाँ के पांचों गिरोहों में हलचल मचा देगा। अपने बॉस पर नजर रखना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ जानता हूँ,
हेनरी वॉन्ग मतलब बहुत सारा पैसा। मेरा बॉस ये मौका नहीं छोड़ेगा। सबको बताए वॉन्ग यहाँ आ गया है। अब ये लोग आपस में लड़ेंगे। मुझे यकीन है जल्द ही धमाका होने वाला है। बॉस का मैसेज है, उसने बुलाया है। मुझे जाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि हेनरी वॉन्ग अभी अभी मनीला में आया है। क्या तुमने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा? अगर हम हर वक्त गुंडों का पीछा करते रहे तो सारे पुलिस वाले इसी में व्यस्त हो जाएंगे। इसका कहना सही है, ये हांगकांग नहीं है आना। इनके काम करने का तरीका अलग है। सुनो, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? लगता है वो मेरे पीछे है। उसका इस्तेमाल करना ही होगा। क्या मतलब? ये क्या है? एक बज़ूका? लो, अब इसे इस्तेमाल करना है। तुम सच कह रहे हो ना? अगली बार मेरे इशारे का इंतजार करना, ओके? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ए, तुम तीनों मुझसे हार गए। हाँ, किस्मत अच्छी है इसकी। ये तभी से जीत रहा जब से हमने खेलना शुरू किया है। कोई बात नहीं, किस्मत ज़रा साथ नहीं देती। चलो दोस्तों, अगला दांव लगाओ। मैं तो अब और नहीं खेलना चाहता। चलो, आज के लिए इतना काफी है। चलो निकलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं। अपनी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मैं जा रहा हूँ। मेरी भी। ए, कहाँ जा रहे हो? रुको, अरे खेलो। नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं भाई, आज। चलो, आज जितना हरा हूँ काफी है। चलो निकलते हैं। चलो चलो चलो, बहुत लोग जा रहे हो, बहुत पैसे हारे आज, विश्वास नहीं होता इतना। खेलो, कैसे कैसे खेल के सर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं धोखेबाज हूँ? वैसे भी हारने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। क्या मैं आपके साथ एक बाजी खेल सकती हूँ? अगर दिल से चाहो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मोहतरमा, कृपया बैठ जाइए, आइए। क्या खेलना पसंद करेंगे? कुछ भी जान, जो तुम्हें पसंद है। तो फिर चलिए ब्लैक जैक खेलते हैं। हाँ जरूर, बिल्कुल खेलते हैं। 50,000 से शुरू करते हैं। वो इशारा कर रही है। मैं जानता हूं तुमने बड़ा हाथ मारा है। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे भी उसमें शामिल कर लो।
मेरे धंधे में पागल हो गए हो क्या? तुमने और मैंने हमेशा अपना अपना काम संभाला, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। सब अच्छा चल रहा है, उसे ऐसे ही चलने दो। वांग को भूल जाओ, वांग मेरे साथ है। हेलो। हाँ सब ठीक है। गुड बाय। चलो निकलो यहां से। मुझे अभी अभी खबर मिली है, बैन हंग ने मॉलिंडी को खत्म कर दिया। बाकी तीनों गैंग्स बहुत नाराज है, उनका निशाना बैन होगा। बैन हंग उनसे डरा नहीं होगा, उसे पता था कि ऐसा होने वाला है और वो उनके लिए तैयार भी होगा। हाँ, शायद तुम सही हो, अब काम बढ़ जाएगा। वो एक दूसरे से ही लड़ेंगे, हमारा काम कम हो जाएगा, अब लड़कियों की जरूरत नहीं। हाँ मैं भी सहमत हूँ, अब तुमने मनीला छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम दोनों की लाशें नदी में बहती मिलें। तो क्या हम किसी भी काम के नहीं? हमें लगता है कल की वारदात के पीछे हिंदी वांग का हाथ है, वो एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। पक्की खबर? खबर के मुताबिक हिंदी वांग यहाँ एक बहुत बड़े सौदे के लिए आया है, हथियारों का जखीरा। लेकिन वो यहाँ? उसे जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ, मैं उससे पहले भी निपट चुकी हूँ। सच कहूँ तो हमारे मनीला आने की अहम वजह वही है। कोई नई खबर? हाँ, पार्टी में चलना है। पार्टी? तुमने फिर उस आदमी को फोन किया मेरे मना करने के बावजूद? मैं डैडी को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, वो तुम्हारा बाप नहीं है, वो एक बुरा आदमी है। नहीं है, मेरे पापा बुरे आदमी नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। Thank you.
एंजेला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं डैडी के लिए रुकी हूँ, वो जरूर आएंगे। भूल जाओ बेटा, अब वो नहीं आएगा। जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। हम्म, जाओ खेलो, जाओ अपने दोस्तों से मिलो, मौज करो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Angela, happy birthday to you, happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? जी सर। अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ, वो सच हो जाएगी। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अपनी आंखें खोलो। डैडी, डैडी। मेरी एंजेला, तुम्हें कितना याद किया। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी, हाथ चलो। तुम उन्हें वहां क्यों रखवा रही हो? इसे आज बाहर भेजना है, इसलिए इन्हें यहाँ रखा जा रहा है। ये बहुत ही सेफ जगह है। जल्दी करो। रुक जाओ, रुक जाओ। एडी, इसे तो रास्ते से हटाना ही होगा। छोड़ो भी, चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो आओ। निकल गए हम, उन्हें पानी में नहीं पकड़ सकते। चलो इन्हें पकड़ते हैं, आ जाओ। चलो जल्दी करो, अपने हथियार फेंक दो, सब बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, हम लोग आ रहे हैं। बैंड। माल हिलाने में कोई दिक्कत? हाँ वो तो हुई है। हम बस हथियार समंदर के रास्ते पहुंचा ही चुके थे कि वो कमीना पुलिस वाला एडी वहां आ गया, और वो दो लड़कियां भी उसके साथ थी। मैं उस बदमाश एडी को खत्म कर दूंगी, उसने मेरे काम में फिर टांग अड़ाई। तो फिर जाओ और मारो उसे। सिर्फ उसे ही नहीं, उन दोनों लड़कियों को भी। उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। देखो हम लोग बंट जाते हैं, तुम एडी को संभालो, बाकियों को मैं संभालता हूं। हम उन सबको मार डालेंगे। बॉस, हेनरी वोंग ने अभी डेविडसन से बात की है, वो तुम्हें बीच में से हटाना चाहता है। मुझे लगा ही था। देखो तुम और रैंडी। मैं समझ गया। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैंने एक बड़ा गोल्फ रिसोर्ट बनाया है अपना पैसा छुपाने के लिए, और अब तुमने ये विशाल गोदाम बनाया है। तुम लोगों ने तो हथियार के तस्करी में अरबों कमाए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने सुना मौरी को मार दिया। तो अब तुम्हारा एक दुश्मन कम हो गया। मैंने उसे नहीं मरवाया।
ए, मैं तो ऐसा नहीं कहता, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। और मैं भी। तो तुम्हें कितने चाहिए? 50 मिलियन डॉलर्स। तो सौदा पक्का? ए, लेकिन पहले मैं माल को परखना चाहूंगा। ठीक है पीटर। यस सर। मिस्टर वोंग को कुछ हथियार दिखा जो वो चाहे। आइए। बहुत बढ़िया, बाद में मिलते हैं। जरूर। फोन करो, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो और एडी को यहाँ बुलाओ, वरना ये जिंदा नहीं रहेगी और तुम अपनी पोती के सर में गोली का सुराग नहीं देखना चाहोगी। प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारा कहना मानूंगी, फोन करूंगी उसे। अच्छा था। बहुत ही अच्छा था। मेरी सास का मैसेज, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। सॉरी, मुझे जाना होगा। हाँ, बिल्कुल। तुम्हें जाना चाहिए। उम्मीद करो एडी की उसके सास के साथ सुना। हाय जॉनी, एडी कहाँ है? उसकी सास का पेजर था, वो वही गया है। वो तो एडी से नफरत करती है, वो इसे फोन क्यों करेगी? जरूर कोई गड़बड़ है। पता है वो कहाँ रहती है? हाँ मुझे पता है, हमें वहां ले चलो। जरा इसे संभालो। ओके, ठीक है, बाय। अगली बारी तुम्हारी प्यारी बेटी की। रुको, दोनों लड़कियों को उड़ाओ, फिर इस बुढ़िया को और उस बच्ची को। Mm-hmm.
रुक जाओ। ये पुलिस है, हथियार फेंक दो। जल्दी करो सब लोग। हाँ? अच्छी तरह काम करना। ठीक है, पैक कर दो सब। बेन। हाँ? बड़ी खुश नजर आ रही हो, काम हो गया क्या? वो मेरे कब्जे में है। तुम्हारा मतलब एडी? अच्छा, बिल्कुल। इस वक्त उसकी जिंदगी मेरे हाथों में है। तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर देती? मैं उसे तड़पाना चाहती हूं। थोड़ी सावधान रहना। देखो, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहुत धीरे धीरे मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, उसे हिसाब चुकाना होगा। बिल्कुल, लेकिन सोच समझ कर। पानी, पानी। क्या करोगे पानी का? तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। बंगले के पीछे मेरे बेरे के नीचे इधर आ, वहां देख लड़की। अरे हाँ, वो यहाँ क्या कर रही है? चलो देखते हाय। अरे अरे, ये तो आदमी है। तुम ठीक तो हो ना? बहुत चिकने लग रहे हो। कौन था वो? नाम नहीं बताया, बस उसने कहा कि आज ही मुझे यहां मिलेगा।
यहाँ तो कोई नहीं, तुम्हें क्या लगता है? ये जाल भी हो सकता है, संभल कर रहना। ठीक है ठीक है। कहाँ होंगे? शायद वो अंदर हो। टॉनी, एडी यहाँ पर है। एडी, एडी, एडी उठो। ये तो बेहोश है, चलो इसे हॉस्पिटल ले चले, जल्दी करो। बेन, पता नहीं एडी को किसने छुड़ाया होगा। बॉस, क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? क्या हो गया? बताओ, आगे बताओ। एक हिजड़े ने बचाया उसे। मुझे शक है वो फ्रैंक लोमन के लिए काम करता है, जो कि को ब्रदर का साथी है। और मैंने सुना है वो लोग कल हेनरी वॉन्ग के साथ सौदा कर रहे हैं, वो माल कल पहुंचाएंगे। अच्छा, हमारे साथ गद्दारी? हम उन सबको पूरी तरह मिटा देंगे, देखना तुम। बेन, क्या ये सब तुम खुद करोगे? अगर ऐसा है तो मैं अपने लोगों को तैयार करती हूँ, उन गद्दारों को सबक सिखाना ही होगा। तुम ऐसा ही करो लिसा, हम उन सबको उड़ा देंगे। डैडी, आप अभी अस्पताल से लौटे हैं, आपको आराम करना चाहिए। क्या आप पूरी तरह ठीक होने तक रुक नहीं सकते? प्लीज रुकिए ना डैडी, मैं नहीं चाहती कि आप जाए, प्लीज डैडी। ओके, जैसा तुम कहो राजकुमारी, मैं यहीं रहूंगा। अब तो खुश हो तुम? चिंता मत करो एंजेला, मैं और एना तुम्हारे डैड पे नजर रखेंगे, उन्हें कहीं बाहर भटकने नहीं देंगे। हाँ हाँ, वो ऑफिस नहीं जाने चाहिए। जो तुम कहो। ए, तुम सुनो, जल्दी करो। हाँ, अब हांगकांग जाओगे तो वहाँ ताइवान के खरीददारों से कहना, अगर पैसे हो तो मनीला में कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, मदद के लिए शुक्रिया फ्रैंक। और ऐलान कर दो तुम हांगकांग में कि को ब्रदर्स और मैं हम ही यहाँ राज करते हैं। पर बेन हुंग से हमें कोई खतरा तो नहीं? कोई नहीं, यहाँ हम कारोबार चलाते हैं, समझे तुम? ओ, हमारे लोग माल जहाज पर चढ़ा रहे, क्या आप देखना चाहोगे? ये जहाज हमारा है, इसलिए आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए, शुक्रिया फ्रैंक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शर्मिंदा न करो जानी। शुक्रिया। वो बैन हमको लेकर परेशान था, पर उसकी कोई औकात नहीं। तरक्की के नाम। Cheers. ए, तुम सुनो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, जल्दी। चलो जल्दी करो। और कितनी देर है? बस हो गया, बस ये आखिरी वक्त है, खत्म ही होने वाला है। ये क्या? कौन है ये? भागो बॉस, कर दिया। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। जाओ, चलो चलो। तरीका है मारने का? गोली मत चलाना, बड़ो आगे चलाओ गोली, लेकिन तुम कभी बच नहीं पाओगे। मैं नहीं डरता फ्रैंक, मुझे लगा तुम मुझे जानते हो। पहला वार तुमने किया, इसलिए मुझे दोष मत दो। हेनरी वॉन्ग मेरा था, लेकिन तुमने उसे चुरा लिया, इसलिए मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल जायज है ना? तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की। ये सारा आइडिया फ्रैंक का था।
हाँ सही है, फ्रैंक ने ही हमें इसमें खींचा। उसके सामने गिल्ली डालो मत, वो हमें किसी भी कीमत पे मारेगा। चुप रहो तुम डरपोक। अब भूल भी जाओ उस बात को, बहुत देर हो चुकी। दोस्तों अब जहन्नुम में जाकर फैसला करना। ये क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो चलाओ गोली। मैं बहुत खुश हूं कि तुम फिर से हमारे साथ हो हेनरी, ये अच्छी बात है और मैं वादा करता हूं तुम नहीं पछताओगे। तो मुझे मेरा माल कब मिलेगा? ये तुम पर है। जब तक माल नहीं पहुंचेगा पैसे नहीं मिलेंगे। हमें कैसे यकीन होगा? लीसा सही बोल रही। तो फिर तुम जमानत के तौर पर मुझे अपने पास रख सकते हो? सोचूंगा। तो बताओ तुम्हारा गोदाम कब देख सकता हूं मैं? किसी भी समय, जब तुम चाहो। अभी ले आओ। जो कुछ भी मैंने देखा अब अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आखिरकार मैं सही आदमी के पास पहुंच ही गया। हम साथ में बहुत सारा काम करेंगे। वो तो ठीक है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम्हें 20% रकम ज्यादा देनी होगी। वो क्यों? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पैसा नहीं, हथियार नहीं, तुम नहीं पछताओगे। वो इराकी बंदूकें? वो तो अगले हफ्ते आ रही है मिस्टर वांखाड़ी। युद्ध की जो मिसाइलें आने वाली है उसके साथ सारी के सारी नई है और पूरा लॉट हमारा। बहुत अच्छा, कुछ समझ में आया? हाँ बहन, तुमने तो इराक से मिसाइल भी मंगा ली, तुम तो वाकई कमाल के हो। तो देखा तुमने, 20% बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है, पता है तुम इनसे कम से कम 50 गुना कमाओगे। हाँ उम्मीद तो है। क्या हुआ? कहाँ गए थे? टॉयलेट में। झूठ बोल रहे हो, तुमने एक फोन किया? सही कहा बॉस, मुझे लगा मिस्टर वॉन्ग के साथ देर हो जाएगी तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को आने से मना कर दिया। ये तो वही है। क्या आप कुछ सैंपल देखना चाहोगे? जरूर, आइए। लीजा, वो बिल ही था जिसने एडी को छुड़ाया। मुझे अभी उसकी गाड़ी में ये मिले। तुम्हें यकीन है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझसे गद्दारी करता है कमीने? नहीं, नहीं। मेरे साथ गद्दारी बहुत महंगी पड़ती है। नहीं, नहीं। चुप रहो। Oh, my God.
भागो। मिस्टर होंग, ये लीजिए, आपके काम आएगी। बेन, हथियार डाल दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। चुप कर, मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ो। आ जाओ, डर गए क्या? आओ और मुझे ले जाओ। तुम लोग सब सुन लो, पहले मुझे पकड़ो, फिर उसके बाद मेरे बॉस तक पहुंचोगे, समझे? बॉस क्यों ना वो वाला हथियार इस्तेमाल करे, हाँ? खुद को हमारे हवाले कर दो, हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। ओके, हम सब साथ में जाते हैं, जन्म में जाओ। ये लो। निकलो। आ,
आप जाओ बॉस, अब तुम नहीं बचोगे। बच नहीं सकते बहन, मेरी मानो हथियार डाल दो। अगर पकड़ना चाहते हो तो यहां आकर पकड़ो। तुम मरना क्यों चाहते हो बहन? सिर्फ अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। कभी नहीं, डर गए क्या? अगर मैं मरूंगा तो तुझे साथ लेकर मरूंगा। और तुम्हारी बहन का क्या? क्या तुम चाहते हो वो भी मर जाए? चुप रहो। हम मरेंगे, तुम्हें साथ में लेकर मरेंगे। आ जाओ यहां, आओ, आ जाओ, जल्दी आओ। मारो उसे लिसा, जाओ। बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी बहन। मुझे जो चाहिए मैं हासिल करता हूं, रिश्ते नातों की परवाह नहीं करता कभी। तो आप तुम क्या करोगे बोलो? तुम्हें लगता है तुम होशियार हो? मुझे आसानी से पकड़ लो। बोलो, आज तुम मरने वाले हो। बंदूक नीचे फेंको अभी। जैसा कहता हूं वैसे करो वरना सिर उड़ा दूंगा। अगर जीना चाहते हो तो बंदूक फेंक दो। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। हाँ,
एक, दो। मरो। मुझे सोचो मत। बिल, मैं ठीक हूं। एम्बुलेंस बस आती होगी, मैं बच जाऊंगा ना। थोड़ी देर के लिए हौसला रखो। मैं नहीं मरने वाला, मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, खासकर जब तुम लड़की के भेष में होगे। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? बस मार डालो मुझे। मैं लड़की के भेष में बहुत गंदा, वो सोचेगी या तो मैं पागल हूँ या तो। हट जाओ। जहन्नुम में मिलते हैं हराम। बिल, चुपचाप चलो। मदद के लिए शुक्रिया। तुम इसे हांगकांग ले जाओगी? जितनी जल्दी हो सके उतना ही। चलो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अरे चलो, जब तुम चाहो। मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया एडी। कैसी बात करती हो एंजेला, अब हम चलते हैं। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एडी। इसकी जरूरत है। कोई बात नहीं, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। और तुम भी एंजेला, अपने डैडी का ख्याल रखना। क्या तुम मुझे मिलने वापस आओगी? मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। हांगकांग अच्छी जगह है ना, डैडी कभी नहीं लेके जाते। देखना, एक दिन वो जरूर ले जाएंगे। वो हमेशा ही काम करते रहते हैं, मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाते। अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह रहो तो वो जरूर ले जाएंगे। वादा वादा। गुड बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। चलो। चलो। आंटी, आंटी, आंटी मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। अब अगर जाएंगी तो कभी नहीं आएंगी। मत जाओ। नहीं, मत रो एंजेला, मैं जरूर वापस आऊंगी। प्लीज आंटी।
मैं वादा करती हूँ। प्लीज क्या इमोशनल सीन है? चुप रहो। एंजेला तुम अच्छी हो ना? मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे फिर जरूर मिलूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। नहीं तुम वापस नहीं आओगी। मत जाओ प्लीज। मत जाओ प्लीज आंटी। खुश रहना, रो मत। एंजेला चलो अब घर चले। ओके नहीं डैडी, मैं मम्मी को तो खो चुकी हूँ, अब आंटी को नहीं खो सकती। एना क्या तुम चीफ से कह दोगी कि किसी जरूरी काम की वजह से मुझे रुकना पड़ेगा? फिक्र मत करो, जब तक चाहो रह लेना। तुम दोनों भी अजीब हो यार। चुप रहो, चलो। डैडी आंटी नहीं जा रही, चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी, चलो। हे, लेकिन मैंने जो गलती की थी वैसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, gandani click cheyadam marchipokandi.